जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एक हमारी श्रृंखला चल रही है पीछे काफ़ी समय से कि राहु ने शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के अंदर गोचर किया है और इस समय तीसरा चरण उस नक्षत्र का चल रहा है। तो नक्षत्र के स्वामी बनते शनि देवता और जो नक्षत्र का चरण है उसके स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। तो उसी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे आज की श्रृंखला, राहु का नक्षत्र परिवर्तन। राहु शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहा है। 16 अगस्त से लेकर 16 मार्च 2025 तक धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, इसी की चर्चा करेंगे। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले दोनों इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मित्रों, राहु एक मायावी और छलिया ग्रह और इस समय धनु राशि के चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में जहाँ मीन राशि है उस भाव में ये गोचर कर रहा है। हालांकि मीन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन धनु राशि से चतुर्थ भाव का जो राहु बैठता है ये थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। उसके कई कारण हैं कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो होता है चंद्रमा, कारक भी चंद्रमा होता है और चतुर्थ भाव ज़्यादातर हमारे मन का भाव होता है, मन का। यहाँ कहा गया है कि चंद्रमा मनसो, कि चंद्रमा जो है मन जैसा होता है, मन का कारक होता है। इस भाव में अगर राहु जैसा ग्रह किसी भी राशि में बैठे, चौथे भाव की बात करें, किसी भी राशि में राहु यहाँ बैठता है तो अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अगर कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी है तो शायद आपको शुभ प्रभाव दे दे, अदरवाइज अगर कुंडली में इसकी स्थिति बढ़िया नहीं है, खराब है, तो चतुर्थ भाव का जो गोचर है राहु का वो बढ़िया प्रभाव नहीं दे। धनु राशि वालों की बात करते हैं कि राहु मायावी है और छलिया ग्रह है। मायावी और छलिया इसको इसलिए बता रहे हैं हम लोग कि कोई भी रूप ये बना सकता है, किसी के साथ भी ये छल कपट कर सकता है और ये जो भी करता है प्लानिंग के अनुसार नहीं करता, अचानक करता है। राजा को रंक, रंक को राजा बनाता है और सबसे जल्दी परिणाम देता है। इतना जल्दी कोई भी ग्रह आपको परिणाम नहीं देगा जितना जल्दी आपको राहु देता है। इसका उदाहरण छोटा सा दे रहा हूँ आपको। आप रोड पर चल रहे हैं, चार पहिया या दो पहिए के वाहन में, आपकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाएगा और आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट या चोट या कुछ भी करा सकता है। ये सब क्या है? ये सब राहु है। राहु धुआं होता है, आंखों के सामने धुआं फैलता है और आपको कुछ नहीं पता चलता और कैसे क्या हो जाता है। इसलिए कहते हैं इसको, ये प्लानिंग के अनुसार कोई काम नहीं करता, अचानक करता है। जो भी परिणाम देता है अपनी सीमा से, अपनी लिमिट से आगे बढ़ करके देता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी बाउंड्री को नहीं मानता ये, किसी सीमा को नहीं मानता है। आपको सुख दे या दुख दे अचानक देता है और बिना किसी दबाव के देता है। आज के युग का राहु एक प्रकार से कारक ग्रह है, संचार माध्यम का, मीडिया का ये सबसे बड़ा कारक है। ये मीडिया का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है, इसको बाहुबली भी कह सकते हैं मीडिया का। अगर ये चाहे तो किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में वायरल 5 मिनट के अंदर कर सकता है। ओनली 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, कोई बात, कोई भी व्यक्ति या कोई महिला या कोई ऐसा वीडियो 5 मिनट में पूरी दुनिया के अंदर वायरल कर सकता है। इसकी ताकत है और इसकी ताकत है आज का संचार माध्यम जिसको हम मीडिया कहते हैं। ये जो प्रोग्राम हम आपके सामने बना रहे हैं ये भी राहु के देन है, इसका कारक भी राहु है। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, उदय होता है, बकरी होता है या मार्गी होता है,
नीच का बनता है, उच्च का बनता है, राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है, उसका सीधा असर हर राशि पर पड़ता है, अच्छा या बुरा। आपके जन्म कुंडली जन्म चक्र में ग्रहों की स्थिति क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है उसका प्रभाव अशुभ होगा या शुभ होगा। आपके जन्म के समय जो प्लैनेट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो गोचर है आगे किसी भी ग्रह का उसके हिसाब से आपको फल देता है। राहु शनि का शिष्य है, मित्र भी है, शिष्य भी है और शनि की छाया भी है, तो शनि जैसा ही प्रभाव देता है क्योंकि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। जहाँ शनि अनुशासन में रहना सिखाता है हमें, वहीं राहु आपको हर बंधन से बाहर रहने के लिए बाध्य करता है, बाहर रहने के लिए आपको प्रेरित भी करता है कि आप बाउंड्री पार करिए, लिमिट पार करिए, सीमा पार करिए, रिस्क लीजिए, आप मैं बैठा हूँ आप रिस्क लो। आज लोग जो है ना ज्यादातर राहु से डरते हैं, खौफ खाते हैं, खौफ ज्यादा है राहु के नाम से। राहु का नाम लेते ही एक अजीब सा दिमाग में एक ख्याल आता है। धनु राशि इस समय बड़े साढ़े साथी से मुक्त है, कोई साढ़े साथी का प्रभाव नहीं है। 17 जनवरी 2023 को साढ़े साथी खत्म हो गई थी, उससे थोड़ा राहत मिली थी धनु राशि वालों को, अच्छा प्रभाव चल रहा है। राहु का जो गोचर है आपके चौथे भाव में हो रहा है, जो यहाँ गुरु बृहस्पति की सेकंड राशि है, मीन राशि, तो चतुर्थ भाव से विचार करते हैं मकान प्रॉपर्टी वाहन माता माता का सुख माता का स्वास्थ्य चल अचल संपत्ति मन का सुख घर का सुख भौतिक सुख सुविधा, यहाँ राहु शनि की उत्तरा भाग पर नक्षत्र में तीसरे चरण में गोचर कर रहा है। तो 16 अगस्त से 16 मार्च 2025 तक यहाँ राहु इसी नक्षत्र में गोचर करेगा। यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव होंगे, ये समय बहुत बड़े बदलाव का है, उलट फेर का समय है इसके लिए धनु राशि वालों। मित्र मैंने आपको बताया अभी कि राहु का जो गोचर है वो चौथे भाव में किसी भी राशि में बैठा हो शुभ नहीं होता, और वो भी शनि के नक्षत्र में तो बिल्कुल भी शुभ प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि राहु गुरु का मित्र नहीं है। गुरु राहु एक तरह से चांडा लोग बना के चलते हैं, और गुरु के घर में बैठेगा तो कहीं ना कहीं चांडा लोग का निर्माण होगा और राहु आपको यहाँ शुभ प्रभाव देगा। चौथे भाव का कारक और स्वामी एक तरह से चंद्रमा बनता है, अगर कालचक्र कुंडली को देखते हैं तो हमारे ये मन का भी कारक होता है। जब मन पर कोई अटैक होता है तो मानसिक स्थिति डावाडोल होती है आदमी की, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आपत्तियों विपत्तियों का उसको सामना करना पड़ता है हर काम में, वो चाहे घर का हो ऑफिस का हो या नौकरी का हो, उसमें अस्थिरता आती है, स्थिर नहीं रहता दिमाग, चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आती है। जब हालात अपने फेवर में नहीं होते तो मन विरक्ति की ओर संन्यास की ओर अग्रसर होता है, मन में एक ऐसा भाव आता है साहब बेकार है, अरे सबको छोड़ करके कहीं चला जाओ। घर में लड़ाई झगड़ों का माहौल पैदा होता है, जहाँ काम करते हैं उन लोगों से मनमुटाव रहता है, वहाँ भी कार्य करने का आपका मन नहीं लगता है। शारीरिक दृष्टि की बात करें तो शरीर में कष्ट शुरू हो जाता है, पेट दर्द इन्फेक्शन लीवर प्रॉब्लम गैस एसिडिटी परेशानी शुरू हो जाती है। चौथा भाव शिक्षा का भी है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। चौथा भाव हमारे हार्ट का भी है, दिल की धड़कन भी हमारी बढ़ जाती है, घबराहट भी बढ़ जाती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में हानि संभव है इस समय, क्योंकि राहु का जो गोचर बढ़िया नहीं माना जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको उस हालात को मेंटेन करने के लिए बड़ी परेशानी आएगी, आपको लोगों के साथ समझौता करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा उनसे दब के भी रहना पड़ेगा, व्यवहार को सही रखना पड़ेगा तो आप नौकरी कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। कई बार तो ऐसे जो लोग हैं व्यापारी हैं उनके कई बार व्यापार भी बंद करा देता है। यहाँ माता का भाव भी होता है तो माता को भी शारीरिक कष्ट देगा, कोई जमीन जायदाद अब खरीदना चाहते हैं बेचना चाहते हैं उसमें भी आपको परेशानी आएगी, भौतिक सुखों में भी आपको कमी आती है। ये जहाँ जहाँ तक अपने ही लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, व्यवहार चेंज हो जाता है इसका, भौतिक जीवन में मोह नष्ट हो जाता है, करियर बनाने के लिए प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, सफलता बहुत मामूली मिलती है, नीच प्रवृत्ति वाले लोगों से संगति बनती है जो नुकसान देती है। राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, ससुराल का भाव है, भावी बिगाड़ खाता होता है,
आध्यात्मिकता की ओर आपका मन नहीं जाता। सप्तम दृष्टि करियर के भाव पे है, तो यहाँ से आपके करियर को उतार चढ़ाव देगा, बहुत ज़्यादा परेशानी देगा आपको। तो बारहवें भाव पर होने से ये आपको कोई हॉस्पिटलाइज, जेल, पुलिस थाना, कचहरी, दवाई दारू, इनके खर्चे में आपको परेशान करेगा। हाँ, आपको एक काम कर सकता है कि अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता बना सकता है। इन भावों में हम जिन चीज़ों के विचार करते हैं उन चीज़ों में ये कमी करता है। अगर आपके कुंडली में राहु की महादशा भी चल रही है और राहु गोचर में आपके चतुर्थ भाव में गोचर भी कर रहा है और जन्म कुंडली में राहु आपका अच्छा नहीं है तो आपके लिए समय बढ़िया नहीं कह सकते, इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अच्छा समय नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए राहु और केतु सर्प कहलाए जाते हैं। आपने देखा वो कुंडली में जब काल सर्पयोग बनता है, एक सामने राहु होता है, नीचे केतु होता है और ग्रह सारे एक ही साइड में होते हैं, दूसरे कुछ नहीं होता, तो पूर्ण रूप से काल सर्पयोग होता है। तो ऐसे काल सर्पयोग के लिए हमें भोले बाबा के शरण में जाना पड़ता है, भोले की सेवा करते हैं, क्योंकि सांपों से रक्षा करने वाले सिर्फ भोले बाबा हैं। तो इस पोजीशन में जो आपको पोजीशन मैंने धनु राशि वालों को बताई है, आपको क्या करना है, हर सोमवार को दूध में काले तिल डाल के, चावल चीनी डाल के भोले बाबा का रुद्राभिषेक करें। वहाँ दूध से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, अनार के जूस से कर सकते हैं, मौसमी के जूस से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं। भोले बाबा का रुद्राभिषेक आपने करना है, किसी भी चीज़ से करें, सब आपके लिए फायदेमंद है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए। बृहस्पति के घर में राहु गोचर कर रहा है, अच्छा परिणाम नहीं देगा, इसके लिए आप अगर बृहस्पति बार का व्रत कर सकते हैं तो आपके लिए और उत्तम रहेगा। केले की पूजा करनी है और बृहस्पति बार को आप व्रत करिए, राहु आपको यहाँ अच्छा फल देगा। मीन राशि में बैठा है, मीन राशि जल तत्व राशि होती है, तो इसके लिए आप मछलियों को आटे की गोलियाँ बनाइए, चावल के आटे की, उसको चावल काटा भून के उसमें थोड़ा घी डाल के, दूध डाल के, थोड़ा मिष्ठान डाल के और धीरे छोटे 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 गोली बना लीजिए, उनको सुखा लीजिए और वो हर शनिवार, मंगलवार, सोमवार दो तीन दिन आप यूज़ कर लें, बृहस्पतिवार या रोज़ कर सकते हैं, रोजाना थोड़ी थोड़ी की एक मुट्ठी गोली मछलियों को डालिए, इसके बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है राहु का और राहु से भी सुख प्रभाव जन लगता है। मतलब आपका प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेकर सीख हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।